हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के में इस क्लास में देखेंगे कि आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, इसमें क्वेश्चन आया है कि आपको एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको गिवन देगा, ठीक है। उसके साथ ना तो आपको कोई ट्री दे रखा है, ना तो कोई आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दे रखा है। आपको डायरेक्ट कहे कि आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन को आपको प्री ऑर्डर में चेंज करना है। सो आप उसको कैसे चेंज करोगे, इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको चेंज करने का बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी ट्रिक है। आप इस ट्रिक को समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो आप कोई भी पोस्ट ऑर्डर को आप प्री ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। सो देखिए, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी पोस्ट ऑर्डर है, क्या आपके पास जो भी पोस्ट ऑर्डर है उसको रिवर्स में लिख लेना है। क्या कर लेना है, उसको रिवर्स में लिख लेना है। किस में लिख लेना, रिवर्स में, यानी कि जो लास्ट है, लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक सबको रिवर्स में लिखना है। यानी कि मैं रिवर्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 30, 39, 42, 35, 20, 25, 23, 10 and 15। ठीक है, मैंने रिवर्स में लिख दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपके पास रिवर्स करके जो भी आपके पास आया है, मतलब जो भी आपके नोट्स आया है, उसका क्या बना लो, बाइनरी सर्च ट्री बना लो। क्या बना लो, बाइनरी सर्च ट्री बना लो। सो मैं करता हूँ इसका बाइनरी सर्च ट्री बना लेता हूँ। सो बाइनरी सर्च ट्री किस प्रकार होगा, जो सबसे पहली नोड है वो क्या हो जाएगी, मेरी रूट नोड। रूट नोड हो गया, बाकी आपको तो पता ही है, स्मॉल एलिमेंट्स आपके लेफ्ट में जाते हैं एंड आपके ग्रेटर एलिमेंट्स जो होते हैं रूट नोड से वो राइट में जाते हैं, ठीक है। सो 30 के बाद 39 इधर आएगा, देन आपका 42 इधर आएगा, देन आपका 35 इधर आएगा, देन आपका 20 इधर आएगा, देन 25 इधर आएगा, देन 23 इधर आएगा, देन 10 इधर आएगा, देन 15 इधर आएगा, ठीक है। आपने अगर जो भी आपके पास पोस्ट ऑर्डर था, आपने पहले सिंबल्स का रिवर्स करा, आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके आपने उसका बाइनरी सर्च ट्री बना लिया। क्या बना लिया, बाइनरी सर्च ट्री। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी ये कंसेप्ट है। आपके पास जो भी बाइनरी सर्च ट्री है, क्या आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, उसका आप क्या निकाल लो, प्री ऑर्डर निकाल लो। क्या निकाल लो, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर को आपका ट्रिवर्स तो पता ही है बेसिकली क्या होता है, रूट लेफ्ट एंड राइट, यही होता है ना। लेकिन हमने इसको सीखा था एक ईजी ट्रिक से, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ एक्चुअली, कि आप प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट को कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। सो अगर आपको वो अच्छे से एकदम समझना है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, आप इस बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर निकालूंगा। प्री ऑर्डर में क्या करना था, मुझे लीफ ब्रेक वॉल्स के अगेंस्ट चलना होता था। किसके अगेंस्ट चलना होता था, वॉल्स के अगेंस्ट। सो अगर मैं इसका प्री ऑर्डर निकालूंगा, प्री ऑर्डर किस प्रकार होगा, पहले आएगा 30, देन 20, देन 10, देन 15, देन 25, देन 23, देन 39, देन 35, देन 42। ये मेरे पास आ गया, इस बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर आ गया। सो ये क्या हो गया, मेरा फाइनल प्री ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, फाइनल प्री ऑर्डर, यानी कि मैंने पोस्ट ऑर्डर को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्री ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको तीन स्टेप्स का ध्यान रखना है, और अगर आप कुछ तीन स्टेप को याद रख लिया तो आपके पास कोई भी पोस्ट ऑर्डर आ जाए, आप आराम से उसको प्री ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। पहला स्टेप बहुत ईजी है। पहले स्टेप के आपके जो भी नोट्स हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। किस में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। उस रिवर्स ऑर्डर में जो भी आपके पास नोट्स है उसका बाइनरी सर्च ट्री बना लो। क्या बना लो, बाइनरी सर्च ट्री बना लो। बाइनरी सर्च ट्री बना लिया, उसके बाद जो बाइनरी सर्च ट्री आया है उसका आप क्या निकाल लो, प्री ऑर्डर निकाल लो। सो जो रिजल्टेंट प्री ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपका फाइनल प्री ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑर्डर टू प्री ऑर्डर हो जाएगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप पूछ सकते हैं, और आप डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।